एक कहावत है दोस्तों, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो अपनी जन्नत से निकलते ही नहीं। तो दोस्तों बता दें कि ये आप सामने देख पा रहे होंगे, ये है टावर, ठीक है, ये है टावर, ठीक है, और ये है, इसको कहते हैं ओडीएससी, ठीक है, ये ओडीएससी है। यहां से इसका जो भी, यहां पे दो तरह से होता है, पहला होता है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, यहां पे बताते हैं ऑप्टिकल फाइबर, ये ऑप्टिकल फाइबर होता है जो पतला सा केबल होता है, ये जो दो तरह से चलता है, पहला चलता है माइक्रोवेव से, ठीक है, यहां पे आप लोग देखते हो ये गोल डब्बा एक लग रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं माइक्रोवेव। और ये माइक्रोवेव कैसे काम करता है तो हम आपको आज जो बताएंगे, आज कुछ एक नेटवर्क के बारे में बताएंगे कि माइक्रोवेव और फाइबर दोनों पे कैसे काम करता है, ठीक। तो पहला एक टावर और जिस दिशा में होगा माइक्रोवेव, उसी दिशा में एक और यहाँ पे टावर होगा, ठीक है, वहां पे एक और माइक्रोवेव वैसे लगा रहता है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है, ठीक है, इसको बोलते हैं माइक्रोवेव, ठीक है, ये MW, ठीक है, MW यहाँ पर लिख दी, ये हो गया आपको माइक्रोवेव, ये माइक्रोवेव से कनेक्टेड होगा, तो इसका क्या होगा ना, इसके अंदर भी एक ODSC होगा, ठीक है, और इसका इसमें से दो केबल निकलता है, ठीक है, इसमें से ऐसे तीन केबल जाता है, एक माइक्रोवेव में पावर देने के लिए जाता है, और दूसरा जो है ना, दूसरा एक सिपली केबल होता है जो राउटर में लगता है, और तीसरा रहता है इसका लॉगिंग केबल, ठीक है, जिसको लॉगिंग किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो आ गया माइक्रोवेव, ईयर टू ईयर काम करेगा, ठीक है, ईयर टू ईयर ये काम करेगा, ठीक है, ये भी दोनों माइक्रोवेव है, ठीक है, इसको माइक्रोवेव बोलते हैं, याद रखिएगा इसको माइक्रोवेव, इसको माइक्रोवेव बोलते हैं, ठीक है, और इसको ODSC बोलते हैं, ठीक है। और यहां से बहुत सारा देखिए, अब पार्ट बाय पार्ट हम लेकर आएंगे, तो पहले हम आपको माइक्रोवेव और नेटवर्क बारे, और यहाँ पे बहुत सारा एंटीना आप देखते होंगे लगा होगा, ठीक है, बहुत सारा एंटीना यहाँ पे लगा होता है, उस सबका अलग अलग काम होता है, अलग अलग सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग रेंज भी होता है, सबका अलग अलग होता है, इसमें डेल्टा बीटा गामा ये सब रहता है, तो ये सब हम नेक्स्ट टॉपिक में बता देंगे। तो ये ODSC में बताते हैं कि ये ODSC आप हमेशा आप लोग देखते हैं, एक साइड में जो रहता है, एक साइड में उसका पावर बैंक रहता है, ठीक है, जिसको SMPS बोलते हैं, इसका हम अलग से पार्ट लेकर आएंगे, SMPS का, SMPS, ठीक है, SMPS के एक अलग से हम बता देंगे SMPS कैसे काम करता है, ठीक है। और ये इसमें रहता है सैमसंग इनोड भी, बहुत सारा राउटर रहता है, राउटर भी कई तरह के आते हैं, टेकरूट हो गया, सिस्को हो गया, सैमसंग एरिक्सन हो गया, नोकिया हो गया, इन सारी चीजों का इसमें आपको ये आता है। तो सिंपली ये आप माइक्रोवेव से समझिए कनेक्टेड। दूसरा रहता है ऑप्टिकल फाइबर, जो इसी पोर्ट में लगा रहता है, जिसको बोलते हैं FDMS, ठीक है, FDMS, ठीक है, इस FDMS का भी हम बता देंगे, इसका पूरा फुल डिटेल बताएंगे, फुल डिटेल वीडियो आएगा, ठीक है, FDMS बोलते हैं। और ये जो है फाइबर के थ्रू जो है अंदर में पूरा एक जाल बिछा रहता है फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर का, ठीक है, ये ऑप्टिकल फाइबर से ही चलता है दोनों। अब होता है क्या, अब इसमें आ जाता है रिंग, आप लोग रिंग सुनते होंगे, ये रिंग का साइड है, रिंग का साइड। अब रिंग क्या होता है, जैसे बताते हैं कि उसको बताएंगे तो वो पूरा डिप हो जाएगा। अब जानते हैं कि शॉर्ट में बताते हैं आपको, जैसे रिंग क्या होता है, जैसे ये कोई भी चीज, रिंग का मतलब क्या होता है, एक गोलाकार, ठीक है, गोल यानी रिंग बनना। तो अब लेकर चलिए, यहाँ पे हो गया क्या आपको AG2, ठीक है, ये हो गया AG2। अब AG2 से निकलता है क्या है, AG1, और इधर से भी आ गया AG1, ठीक, ये दो AG1 है। अब इस AG1 से जितने भी साइड आएंगे, ठीक है, ये AG1 से AG1 चला गया, और ये बन गया क्या, एक रिंग। अब इसके अंदर में भी कई सारे टावर होंगे, एक रिंग में करीबन 6 टावर आ सकते हैं, 6 टावर, 7 टावर, 5 टावर के समथिंग रहते हैं, ठीक है, वो एक रिंग में आ जाता है, फिर दूसरा चलेगा, फिर दूसरा रिंग बनाएगा, फिर तीसरा चलेगा, तीसरा रिंग बनाएगा, ऐसे चल के जो है ना, ये इसको ये रिंग बन जाता है, इसको बोलते हैं रिंग साइड, ठीक है, रिंग साइड ऐसे फाइबर से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, फाइबर से कनेक्टेड। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, नेटवर्क से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको इस चैनल पे आपको शेयर किए जाएंगे, बताए जाएंगे, बहुत सारा चीज आपको सीखने में मिलेगा, अभी तो शुरुआत है, बहुत सारा चीज आपको बताए जाएंगे। टेलीकॉम कम्युनिकेशन के बारे में अभी हम देख सकते हैं, ये जियो का ऑफिस है, ट्रेनिंग सेंटर है, और यहाँ पे इन सब चीजों का ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसका फुल कोर्स आपको इसमें मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, दबा कर शेयर करिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। चलिए, एक कहावत है दोस्तों, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं।
दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।